हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंपनी। आज हमारे पास में तोशिबा का एक लैपटॉप आया है जिसका कि हमें कीबोर्ड चेंज करना है। इस लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया था जिसको अब हम चेंज करेंगे। तो कीबोर्ड चेंज करने से पहले हम अपने तोशिबा लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेते हैं। और हमने अधिकतर देखा है कि तोशिबा लैपटॉप के कीबोर्ड बाहर से ही निकल जाते हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इस लैपटॉप के कीबोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें नया कीबोर्ड लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तोशिबा के लैपटॉप मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल हैं, तो इसके पार्ट्स मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास में तोशिबा का लैपटॉप है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब हम इस लैपटॉप में नया कीबोर्ड लगाएंगे। इस मॉडल में कीबोर्ड रिप्लेस करना बहुत ही आसान है, बस इसकी जो केबल है उसको हमें मदरबोर्ड वाले सेक्शन से कनेक्ट करना है। ये आप देख रहे हैं कि ये पुराना कीबोर्ड है और ये नया कीबोर्ड है। हमने अपने तोशिबा लैपटॉप का पुराना कीबोर्ड निकाल लिया है और नया कीबोर्ड अब हमें लगाना है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम तोशिबा लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं। इसमें हमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम तय की कीबोर्ड की केबल को अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए। कभी कभी ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती है और इसकी वजह से कीबोर्ड शॉर्ट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।